पृथ्वीलोक पर आई नई मुसीबत, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा भारत नगर। पृथ्वीलोक पर एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आने वाला है। धरती पर सूखा पड़ने जा रहा है। देखिए ये लड़का कौन है जिसकी प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? बालवीर ने तो इस लड़के से सच जानने की कोशिश भी की है, लेकिन लड़के को तो सिर्फ पानी की तलब लगी हुई है। लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जॉब तो मिलने से रहा, मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना। आखिर इस ट्रैक में क्या कुछ चल रहा है और ये लड़का इतना पानी क्यों पी रहा है? चलिए इसका जवाब हम बालवीर से ही मांग लेते हैं। दरअसल जैसे आपने भी देखा कि जैसे आने आगे के एपिसोड्स में आप देख चुके हैं कि धरती पे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि तिमनासा की शक्ति या कालो की शक्ति धरती पे चलती नहीं, तो धरती पे जो प्रॉब्लम्स है वही उसे बढ़ा रही है। तो पहले जैसे हमने देखा कि पॉल्यूशन को बढ़ा दिया, ऑक्सीजन कम कर दिया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। उसका वो प्लान फेल हो गया, तो उसने यहाँ पे अभी पानी का नया चालू किया है। एक ऐसे बच्चे लाई है वहाँ से, कालोक से, जो उसने खुद बनाए हैं। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और सारा पानी पी जाते हैं, उनकी प्यास कभी मिटती ही नहीं। तो धीरे धीरे जो भारत नगर के तालाब है या भारत नगर की टंकियाँ है, सबके घर का पानी है, फिर धीरे धीरे तालाब है, नदियाँ है, समुंदर है, वो सारी पानी वो पी जाते हैं, धीमे धीमे करके पीते हैं, और जैसे जैसे पीते हैं तो उनकी उम्र बढ़ती जाती है। ओह तो ये बात है, ये सब तिमनाशा की चाल है। तिमनाशा धरती लोक पर तबाही मचाना चाहती है और पृथ्वी लोक को भी काल लोक में मिलाना चाहती है। खैर तिमनाशा खुद आज धरती लोक पर आ गई है। बालवीर के सामने खड़े होकर तिमनाशा उन्हें ओपन चैलेंज तक दे रही हैं। तो चलिए बालवीर से ही जान लेते हैं कि तिमनाशा ने उन्हें क्या चैलेंज दिया है। बालवीर के लिए टेंशन अभी मुझे जैसे पता चलता है कि बच्चा पानी पी रहा है, बड़ा हो रहा है, वहीं पे तिमनाशा आती है और मुझे वो करती है, काउंटर करती है कि आपको भी ये करना है, आप लड़के बताइए क्योंकि मेरी ये चुनौती है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और परिया भी यहाँ पे दूसरी तरफ सभी बच्चों से मिल रही है, पता कर रही है। तो एक बहुत ही क्या कहते हैं, धरती पे जो प्रॉब्लम है उसी को हमने फोकस करके एक नया ट्रैक लाया है। पृथ्वी लोक को पानी के संकट से बचाने के लिए बालवीर जी जान से जुट गए हैं। तिमनाशा की चाल को मात देने की तरकीब भी बालवीर ढूंढने लगे हैं। क्या बालवीर इस परेशानी से पृथ्वीलोक को बचा पाएंगे? भाई इसका जवाब तो बालवीर ही दे सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास पानी परी भी है, तो उनकी शक्तियाँ भी है, वो कैसे हमारी मदद करती है, वो भी आगे जाके कैसे फेल होती है या फिर पास होती है, वो भी आपको आने वाले ट्रैक्स में देखने को मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वेल, तिमनाशा ने तो पृथ्वीलोक पर तबाही मचाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब देखना होगा कि क्या बालवीर की सूझबूझ पृथ्वीलोक को इस परेशानी से बाहर निकाल पाती है या फिर इस बार तिमनाशा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।